नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो ये कासल नट देख रहे हैं, इस कासल नट को आज हम बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। मेरे साथ इससे पहले भी आपने कुछ वीडियोस में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इस कंपोनेंट को बनाया है, तो आइए आज हम इसे बनाते हैं ऑटोकैड 3D पर। तो दोस्तों, पहले मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। देखिए, जब हम ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आता है। यहाँ से देखिए, ये टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन आएगा। इस ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए कैट 3D.DWT। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली जो फाइल ओपन होगी वो 3D में होगी, यानी कि जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है ये, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस हैं। जनरली जब हम ऑटो कैड ओपन करते हैं तो हमें 2D का ड्राफ्टिंग एरिया दिखाई देता है, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर हम ओपन करना चाहें तो हम ए कैट 3D.DWT का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो ये रिबन देख रहे हैं, ये रिबन भी आपको जनरली नहीं नज़र आएगा, ये 3D का रिबन है। यहाँ से देखिए, बॉक्स, एक्सट्रूड, ये सारी कमांड्स जो हैं आपको जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो नहीं दिखेंगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये एक आइकन दिखाई दे रहा है सेटिंग्स का, इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। अभी देखिए, 3D मॉडलिंग पर चेक मार्क है, जब हम ओपन करते हैं तो हमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन नज़र आता है, इस तरीके का रिबन हमें नज़र आता है। लेकिन जब हम 3D पर काम करते हैं या 3D का ऑप्शन ओपन करते हैं ये अपने आप नहीं आता, इसे हमें लेकर आना पड़ता है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से 3D मॉडलिंग को चेक करेंगे तो यहाँ पर ये रिबन्स चेंज हो जाएंगे और हमें 3D की कमांड्स नज़र आने लगेंगी। तो दोस्तों, अब हम कासल नट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने अनसेव्ड व्यू पर क्लिक किया। देखिए, अनसेव्ड व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये टॉप व्यू को सेलेक्ट किया। टॉप व्यू को सेलेक्ट करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है, देखिए हल्के से लाइट कलर में आ रही है। तो यहाँ से ये जो व्यू क्यूब बना हुआ है, मैं कर्सर को यहाँ पे जो ये जहाँ टॉप लिखा हुआ है यहाँ बीच में लेकर जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। देखिए, यहाँ परस्पेक्टिव पर अभी चेक मार्क है, हम यहाँ से पैरेलल का ऑप्शन लेंगे। पैरेलल का ऑप्शन लेने के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में, जैसा कि हमें 2D में ड्राफ्टिंग एरिया नज़र आता है, वैसे ही नज़र आने लगेगा। तो अब हम इस पर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, परस्पेक्टिव होने पर हम कुछ बनाएंगे नहीं इस पर, इसे पैरेलल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ से देखिए, टॉप ले लिया मैंने। टॉप लेने के बाद मुझे दो सर्कल बनाने हैं। पहले देखिए, ये है सर्कल कमांड। यहाँ से मैंने सेंटर रेडियस की बजाय सेंटर डायमीटर का ऑप्शन ले लिया। सेंटर डायमीटर का ऑप्शन लेने के बाद मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए, ये यहाँ से दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर मैंने ले लिया 75 और टाइप करके 75 एंटर प्रेस कर दिया। अब चूंकि स्क्रीन से ये बड़ा है सर्कल, देखिए यहाँ से इसको फिट करने के लिए मैं फिर से व्यू क्यूब पर जहाँ टॉप लिखा है वहीं जाकर एक क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये अपने आप फिट हो जाता है स्क्रीन में। अब यहाँ से इस सर्कल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर से ड्रैग करके इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, UCS से थोड़ा दूर। अब एस्केप दबाकर मैं इसके सिलेक्शन को हटा देता हूँ। अब फिर से सर्कल बनाना है तो सेंटर डायमीटर पर लिया और इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर आता हूँ तो ये सेंटर अपने आप शो होने लगता है। सेंटर पर क्लिक करने के बाद अब जो रेडियस रेडियस या जो डायमीटर की वैल्यू लेनी है वो है यहाँ से 38। तो मैं टाइप कर रहा हूँ 38 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। इसी तरह से दो सर्कल अब हमें और बनाने हैं अलग, उसको भी बनाते हैं हम। ये सेंटर डायमीटर यूज़ किया मैंने, मैसेज आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, क्लिक किया। इसके बाद मैं डायमीटर की वैल्यू टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर 56, 56 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद फिर से गए सर्कल कमांड में और वही ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब अगला जो डायमीटर है वो है 38, मैंने फिर से 38 टाइप करके एंटर प्रेस किया और ये चार सर्कल इस तरीके से बन गए। अब यहाँ से देखिए, मैंने होम पर क्लिक किया। होम पर क्लिक करने के बाद अननेम्ड के बाद यहाँ से WCS का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड को यूज़ करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों सर्कल के बीच में हम कर्सर को लेकर आएंगे। जब ये दोनों सर्कल हाईलाइट हो जाएंगे, हाईलाइट होने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो देखिए, यहाँ से ये हाइट लेता हुआ नज़र आता है। अब जब ये हाइट ले रहा है तो इसकी हाइट हमें देनी है कितनी, 34, 34। मैंने 34 टाइप करके एंटर प्रेस किया। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, यहाँ से सॉलिड पर क्लिक किया। सॉलिड पर क्लिक करने के बाद
फिलेट एजेस के नीचे देखिए चैम्फर एज का ऑप्शन आ रहा है, मैंने चैम्फर एज पर क्लिक किया। अब यहाँ से नीचे एक ऑप्शन आता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए डी टाइप करके एंटर प्रेस किया हमने। मैसेज आता है स्पेसिफाई डिस्टेंस 1, मैंने टाइप किया 5 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद अगला जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस 2, मैंने फिर 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके सामने क्या, सेलेक्ट एन एज, मैंने इस एज पर क्लिक किया और उसके बाद ये नीचे वाली एज पर भी क्लिक कर दिया। अब ये दोनों कॉर्नर जो है हमें चैम्फर होकर इनका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, एंटर को दो बार, एंटर की को दो बार प्रेस करूँगा, 1 2। ये देखिए ये इसके दोनों जो एजेस थे ये चैम्फर होकर हमें नज़र आने लगे। इसी के साथ अब हम फिर से होम पर जाते हैं, यहाँ से प्रेसबुल का ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब इन दोनों सर्कल के बीच में मैंने क्लिक किया, दोबारा यहाँ से ऊपर उठाते हैं तो देखिए ये पार्ट उठता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसकी थिकनेस जो है यानी कि इसकी जो हाइट है, स्पेसिफाई एक्सट्रूजन हाइट का मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे हाइट हम देंगे 14, हमने 14 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ओके, अब इसके बाद यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके इसके ऊपर बैठाना है, तो टाइप करेंगे एम और एंटर प्रेस करेंगे। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर दोबारा एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट ये देखिए नीचे वाला जो सेंटर है, इसमें दो सेंटर नज़र आ रहे हैं, तो नीचे वाले सेंटर से हमने इसको पिक किया और फिर यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे भी दो सेंटर नज़र आ रहे हैं, तो ऊपर वाले सेंटर के ऊपर इसे यहाँ क्लिक करके रख दिया। तो ये दोनों सिलेंडर जो है एक दूसरे के ऊपर हमने रख दिए, इस तरह से हमें नज़र आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट की को देखिए मैंने पुश किया हुआ है और इधर से स्क्रॉल बटन को भी पुश कर रखा है, तो देखिए ऑर्बिट एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद जब मैं माउस को इधर उधर हल्का फुल्का हिलाता डुलाता हूँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट्स जो हैं मतलब ये सब चीज़ें आपको देखिए अपनी जगह से मूव करते हुए दिखाई दे रही हैं, हमें किसी भी डायरेक्शन में इसे मोड़ कर हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को घुमा कर देख सकते हैं। अब ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हम यूनियन करेंगे। देखिए ये है यूनियन कमांड, सॉलिड एडिटिंग में मिलती है हमें, इसका शॉर्टकट होता है UNI, मैंने टाइप किया UNI, इसके बाद एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो गैप भी नज़र आ रहा था हमें, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके आगे मैं एक पॉलीगन बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। पॉलीगन बनाने के लिए ये देखिए ये है पॉलीगन कमांड ड्रॉ में, इसका शॉर्टकट होता है POL, मैंने टाइप किया POL और एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैंने 6 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, चूंकि हमें हेक्सागन बनाना है तो नंबर ऑफ साइड्स हम लेंगे 6। अब यहाँ पर देखिए मैं आ रहा हूँ, तो ये सेंटर अपने आप शो हो रहा है, ये देखिए इस सेंटर पर क्लिक किया, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल के ऑप्शन पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से जो रेडियस हमें देनी है वो देनी है 37.5 और एंटर प्रेस कर दिया मैंने, 37.5 की रेडियस दी और ये जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है इसे सेलेक्ट किया और टाइप किया ई और एंटर प्रेस कर दिया, ये इरेज कर दिया हमने। अब हम इसे अपनी पहले वाली पोजिशन में लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल इसका जो बेस है उस पर ये पॉलीगन बना हुआ है। अब हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पॉलीगन जो बनाया था हमने, एंटर प्रेस किया। अब देखिए इसे ऊपर की तरफ हम लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ कितना लेकर आएंगे, हम इसे लेकर आएंगे 34 टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने। अब हम यहाँ पर इंटरसेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। देखिए आपने यूनियन देखा, यूनियन के बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट, सॉलिड इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले मैंने इस पॉलीगन को सेलेक्ट किया और फिर इस सिलेंडर को सेलेक्ट किया और एंटर दबाया। देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी जो है वो गायब हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसे दोबारा बना लेते हैं, प्रेस पुल पर गए, ये हमारे सामने दो सर्कल पहले वाले बने हुए हैं, इनके भीतर क्लिक किया, ऊपर की तरफ लेकर आए और टाइप किया 14 इस तरह से। अब इसके ऊपर एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब दोबारा से इसको ये देखिए ये नीचे वाले सेंटर से उठाकर ये ऊपर वाले सेंटर पर यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो ये ऐसे हमें नज़र आने लगा। देखिए
इसके बाद हमने यू एन आई टाइप किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूनियन कर दिया। अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों सर्कल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें सेलेक्ट करके टाइप करेंगे ई और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इरेज हो जाएंगे। अब यहाँ से ये देखेंगे आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमें इसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनाना है। इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए हमें पहले हेलिक्स बनाना होगा। तो हेलिक्स के लिए देखिए ड्रॉ में हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये हेलिक्स नज़र आ रहा है। देखिए हेलिक्स पर क्लिक किया, हेलिक्स पर क्लिक करने के बाद जो पहला मैसेज आता है हमारे सामने, वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर ऑफ बेस। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लिया ड्राफ्टिंग एरिया में। तो देखिए बेस के सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब अगला मैसेज है स्पेसिफाई बेस रेडियस। बेस रेडियस हमने लेनी है कितनी, 19, या क्योंकि डायमीटर है इंटरनल 38 का, तो यहाँ पर बेस रेडियस है 19। तो 19 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई टॉप रेडियस, तो ये दो वो भी सेम रहेगी, तो हमने ले लिया इसे भी 19 और एंटर प्रेस किया। अब देखिए ये ऊपर की तरफ हम जब लेकर जाते हैं कर्सर, तो हमें हेलिक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें थ्रेड का जो पिच है वो डिसाइड करना है। तो पिच हम वैल्यू ले रहे हैं पिच की, यहाँ पर 3 mm ले लेते हैं। तो पिच देने के लिए हम टाइप करेंगे पहले h और फिर एंटर प्रेस करेंगे। मैसेज आता है स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टर्न्स, तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ 3 और एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब हमें सिर्फ ओवरऑल हाइट देनी है हेलिक्स की। हाइट हम यहाँ से दे देते हैं कितनी, 60, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए एक हेलिक्स बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ से इस हेलिक्स को हमें इस पर इसके भीतर इसके सेंटर पर रखना है। तो हमने यहाँ से टाइप किया m और एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और दोबारा एंटर प्रेस किया। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर इसके नज़दीक जाता हूँ, इसका सेंटर मुझे देखना है। ये देखिए ये रहा सेंटर। जब सेंटर मिल गया तो सेंटर पर क्लिक किया और सेंटर से पकड़ के यहाँ से हम लेकर आते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रख देते हैं। अब देखिए कुछ हिस्सा जो है घुमा कर देखेंगे तो नीचे भी हेलिक्स का जा रहा है, इसीलिए हमने इसे जानबूझ कर जो है बड़ा बनाया था। 60 mm का 60 mm की हाइट ली थी। यहाँ पर मैंने हेलिक्स पर क्लिक किया और देखिए इस एक्सिस को सेलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और यहाँ से वैल्यू दे देते हैं 5। तो देखिए थोड़ा सा जो हेलिक्स है वो अब ऊपर भी आ गया है और नीचे भी आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे। सेंटर रेडियस का ऑप्शन लिया मैंने सर्कल में जाके, कहीं पर भी क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रेडियस की वैल्यू मुझे देनी है कितनी, 1.5 नहीं देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं 0.75 और एंटर प्रेस करते हैं। यानी कि जो सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर है 1.5। और अब हम स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे। देखिए एक्सट्रूड में जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में नीचे स्वीप नज़र आएगी। स्वीप पर मैंने क्लिक किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। मैंने इस सर्कल पर इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके आसपास विंडो बना के, और एंटर प्रेस किया। अब अगला मैसेज आता है सेलेक्ट स्वीप पाथ। देखिए हल्का सा इसे घुमाया और ये है स्वीप पाथ हमारे लिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये 2 या 4 सेकेंड का समय लेगा, क्योंकि ये अभी रियलिस्टिक इसकी जो विजुअल स्टेट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर, ये रियलिस्टिक है, थोड़ा सा समय लेता है। अगर यही वायर फ्रेम होता ये तुरंत इसका प्रीव्यू आपको नज़र आने लगता। पेशेंस रखें, थोड़ा सा समय लेगा ये। यहाँ पर जब ये स्प्रिंग टाइप की शेप एक बन जाएगी और इस स्प्रिंग में जो वायर का क्रॉस सेक्शन है, यानी कि वायर का जो डायमीटर होगा वो आधा इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा और आधा इस ऑब्जेक्ट के बाहर होगा, और उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट कमांड की मदद से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए ये अपने आप आपको ये बन के नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से वैसे तो जो थ्रेड का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर या ट्रेपेजॉइडल होता है। मैंने यहाँ पर सर्कल इसलिए ले लिया कि बस मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है कि इंटरनल थ्रेड किस तरीके से बनेगा। शेप पर मैं नहीं जा रहा, मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल सा सर्कल लिया है और उसे स्वीप करा दिया है। अब देखिए यहाँ से आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कमांड की मदद से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए ये रहा सब्ट्रैक्ट। इससे पहले आपने यूनियन देखा, इंटरसेक्ट देखा, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कमांड को भी देखते हैं। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक किया मैंने, तो पहले हम बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, इसे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब इसके बाद हम छोटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हमें इस बड़े ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है स्प्रिंग, इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए अब हमें यहाँ से एक थ्रेड का शेप जो है
वो दिखने लगा इस तरह से, ये इंटरनल थ्रेड आपको बन के दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है कि हमने यहाँ से एक प्रोफाइल और बनानी है। अब मैं यहाँ से टॉप पर था, यहाँ पे व्यू लूँगा मैं, कौन सा, हम लेफ्ट ले लेते हैं। देखिए लेफ्ट व्यू लिया, यहाँ से टॉप पर गए, राइट क्लिक किया और पैरेलल कर दिया, ओके। अब यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ, आप देखिएगा क्या है वो शेप। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल कमांड ली, रेक्टेंगल की जगह मैं यहाँ से लाइन ही ले लेता हूँ। लाइन से मैं नीचे आया, इधर देखिए, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो मोड को ऑन किया, नीचे की तरफ हम आएंगे 14, इस तरफ जाएंगे 10, फिर ऊपर जाएंगे 14, फिर इस तरफ आएंगे 10, ओके। और ये कनेक्ट करके हमने इस प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। अब हमें फिलेट देना है यहाँ पर। फिलेट के लिए देखिए यहाँ से मॉडिफाई में ये रहा फिलेट कमांड। अब रेडियस फिलेट की जो है वो, उसके लिए मैं आर टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ। फिलेट रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 3 ले ली हमने, 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ, फिर से एंटर प्रेस किया, अब एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ। ये देखिए ये प्रोफाइल हमारी तैयार हो गई जो हमें बनानी थी। अब इसे हम रीजन कर लेते हैं। रीजन करने के लिए REG टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, चारों तरफ विंडो बना के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए ऐसे नज़र आ रहा है हमें ये, ठीक है। अब हमने यहाँ से होम पर क्लिक किया, अननेम्ड पर क्लिक किया, WCS पर क्लिक किया, तो ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमें नज़र आने लगा। अब हमने यहाँ से EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया, यानी कि एक्सट्रूड कमांड में गए, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए इसको मैं लेकर गया कितना, यहाँ से ले जाता हूँ 50 50 लिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये एक प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये है इसका, यहाँ से हम फिर से लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट में गए, यहाँ पर टॉप पर क्लिक, राइट क्लिक किया, पैरेलल पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखिए मुझे खड़ी हुई लाइन बनानी है। खड़ी हुई लाइन जो बनानी है वो बनानी है कितने की, 14 mm की। मैंने 14 mm टाइप किया और 14 टाइप करके एंटर प्रेस कर लिया, ये लाइन बन गई। यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ होम पर, अननेम्ड WCS। अब देखिए खड़ी हुई लाइन मुझे नज़र आ रही है, मैंने एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया यानी लाइन को सेलेक्ट किया और इसके एंड पॉइंट से उठाया और इसे देखिए यहाँ पर हमें सेंटर पर रखना है इसे। यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ कर दे रहा हूँ, ये रहा सेंटर, देखिए सेंटर पर मैंने इस लाइन को रख दिया। अब ये लाइन ऐसे खड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये लाइन इसलिए बनाई, हमें रेफरेंस चाहिए इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। मैंने एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और दोबारा एंटर प्रेस किया, फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, यहाँ से ये मिड पॉइंट पकड़ा। इस मिड पॉइंट को पकड़ने के बाद इसे रखेंगे कहाँ, जो ये लाइन का नीचे वाला एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है जो, एक तो ये ऊपर वाला एंड पॉइंट है जो हमें ये नजर आ रहा है, इसके बाद ये नीचे वाला जो एंड पॉइंट है, थोड़ा सा और नजदीक लेकर जाते हैं, ये नजर आया हमें एंड पॉइंट, ये देखिए ये एंड पॉइंट दिखाई दिया, एंड पॉइंट पर ऐसे रख दिया। अब देखिए ये इसको आर पार करते हुए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पोलर एरे करेंगे, ठीक है। तो पोलर एरे करने के लिए AR टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फिर एंटर प्रेस किया। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे सामने, तीनों में से कोई एक एरे हमें लेना है, तो हमने पोलर एरे पर क्लिक किया। यहाँ पर मैसेज आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मैंने सेंटर पॉइंट लेना है, तो सेंटर पॉइंट इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट ले लिया, ये एंड पॉइंट, ये देखिए ये मिड पॉइंट इसका नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ये ले लिया। अब देखिए ये चारों तरफ एरे हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, क्लोज एरे किया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स हमें 6 ही चाहिए और 360 में भी डिवाइडेड है। यहाँ से हमने क्लोज एरे लिया, क्लोज एरे करके
अब हम इसे एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट के लिए देखिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, सॉलिड सब्ट्रैक्ट, इस पर क्लिक किया। तो पहले तो मैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद एक एक करके ये सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे हम। और एंटर प्रेस करेंगे इसके बाद। देखिए अब ये वो शेप आ गई जो हमें चाहिए थी। इसके बाद इसके बीच में जो ये लाइन हमें नज़र आ रही है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ई टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से ये कासल नट बन के आपके सामने आ गया। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी शेप लग रही थी, लेकिन बड़े आराम से बन गया। तो ऑटो कैड बहुत ही केपेबल सॉफ्टवेयर है, अगर हम 3D में काम करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये था कासल नट इन ऑटो कैड 3D। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।